पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे अभियान एक दिन एक रोड के तहत कान फाड़ू तेज आवाज वाले जब्त शुदा 21 साइलेंसर बुलडोजर चलाकर नष्ट किए गए। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के मकसद से अभिनव पहल करते हुए जिले के नगरीय और व्यस्ततम क्षेत्रों में एक दिन एक रोड अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य यातायात बाधित करने वाले दुकानदार, हाट ठेले एवं वाहन चालकों के विरुद्ध समझाइश देना, समझाइश के उपरांत सुधार न आने पर उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करना, साथ ही नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों को समझाइश देने के उपरांत भी जिन वाहन चालकों में सुधार नहीं हुआ उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करना है। साथ ही विगत दिनों में जिले में कान फोड़ू तेज आवाज वाले साइलेंसर दो पहिया वाहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना गाटरवारा अंतर्गत 21 बुलेट और साइलेंसर लगाने पर उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए वाहनों से साइलेंसर निकाले जाकर जब्त किए गए थे। उक्त कार्रवाई में SDOP गाडरवारा रत्नेश मिश्रा, थाना प्रभारी गाडरवारा विक्रम रजक, थाना प्रभारी यातायात जितेंद्र गढ़वाल एवं अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार जी के निर्देशन में संपूर्ण जिले में यातायात को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जन जागरण से लेकर और ये साइलेंसर जो बुलेट में पटाखे फोड़ के गाड़ियां चलती हैं, इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर ट्रॉली डबल अटैच करके गन्ने के कामों में भी चल रही है, तो समग्र यातायात व्यवस्था को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 15 दिन से यातायात प्रभारी एवं उनकी टीम गाडरवारा आ रही है और गाडरवारा, साईखेड़ा और ट्रैफिक, ये तीनों की टीम संयुक्त रूप से बनखेड़ी पिपरिया रोड पे, इधर उदयपुरा रोड पे, लोकल में, आसपास के क्षेत्र में पिछले 15 दिनों में 22-25 गाड़ियों के साइलेंसर खुलवा के जब्त किए गए थे। आज उसी तारतम्य में ये साइलेंसर के नष्टीकरण का काम किया गया है जो ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन करते हुए लगाए गए थे। ये अभियान सतत रूप से जारी है। अभी पिछले महीने नरसिंहपुर में भी ऐसा अभियान एक हुआ था और इस नष्टीकरण की कार्रवाई का उद्देश्य यह है कि लोगों में एक संदेश जाए कि इस तरीके के साइलेंसर लगा के जो कंपनी मेड नहीं है और शोर ध्वनि प्रदूषण करके आम जनता को परेशान किया जाए, इसके विरुद्ध कार्रवाई का ये अभियान है जो सतत रूप से जारी रहेगा। अभी हमारा नाबालिग बच्चों के राइडिंग पर भी अभियान चल रहा है। पिछले 15-20 दिनों में करीब 250 चालान हमने नाबालिग बच्चों पर पूरे ज़िले में बने हैं, जिसमें से 30-35 चालान गाडरवारा में भी बने। हम हेलमेट के लिए भी जागरूकता अभियान स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेजों में कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग हेलमेट लगाएं और सड़क दुर्घटना से हमारे प्रिय जनमानस में से किसी की कोई मृत्यु ना हो, और जनता से हम इसमें सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।